हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। इडुटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे इस वीडियो में। 3 ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि प्रत्येक सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया है और इसमें 16 सेट इस बुक में है, तो टोटल आपका हो गया 800 क्वेश्चन। प्लस 800 क्वेश्चन है तो आप प्लस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो टॉपिक वाइज जो भी वीडियो है इसमें पेज है वो काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा हेतु नॉलेज इकोनॉमिक मिशन की शुरुआत की है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से देते जाइए, और कुछ सेकेंड, 2-3 सेकेंड तो रुक ही जाते हैं, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और जांचिए अपने आप को कि कितना आप सही कर पाते हैं। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका क्या राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट फॉरेस्टाक कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्टाक कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? विश्व जल दिवस जो आपका है 22 मार्च को मनाया गया, तो उसका थीम इस बार क्या था 2021 का? तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, आर एस एन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? 23 मार्च को आपका किस देश के साथ भारत ने जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा जो कि आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के लिए आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा राशन। नेक्स्ट है, किस आयोग नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.1 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ?
तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कर्नाटक। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? काला नमक चावल का महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? भवीना पटेल का संबंध कौन से खेल से है? तो आपका राइट आंसर होगा पैरा टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? फ्लोटिंग सोलर प्लांट भारत के किस राज्य में लगाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के सरकार के साथ की गई, जो कि आपका किसान की आय को दोगुना करने का उद्देश्य किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमानित देने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ओरल वैक्सीन का निर्माण आपका अमेरिका के साथ किया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, INS करंज। INS करंज इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO सदस्य देशों द्वारा पामबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
3000 रन पार करने वाले T20 इंटरनेशनल में कौन खिलाड़ी बन गए हैं जो कि पहले खिलाड़ी हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले, लिम्बाले शरण कुमार लिम्बाले। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईयूसीएन ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अफ्रीकी हाथी। आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे तेल आपूर्ति कर्ता बन गया? सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति कर्ता कौन बन गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी तानाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हुआ, उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं, वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये तीनों आपका राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी चौथा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2021 में। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नासा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 0.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो आपका राइट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिडबी। COVID-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 में लगाया गया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भी आकार की रिकवरी।
आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका 50 क्वेश्चन इसमें पूरा हो गया, तो ये आपका 4 नंबर सेट पूरा हो गया। तो टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपका 5वां सेट का वीडियो आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे आपके पास जाए और आप पहले देखें, और वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।